अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो लोग नेटफ्लिक्स को देखने का शौक़ रखते हैं और कई तरह की मूवीज़ के सीजन्स और मतलब कि ऐसी जो मूवीज़ जो सिर्फ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होती हैं जो वो देखने का शौक़ रखते हैं, तो आज लोगों को इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊँगा कि जिसके थ्रू आप नेटफ्लिक्स के जितने भी सीजन हैं या जो भी मूवीज़ उस पर रिलीज़ होती हैं वो फ्री देख सकते हैं। आपको नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से ये आपने मैं आपको एक ही फ़ाइल दूंगा, ये वाली नेटफ्लिक्स बीटा बाय आसिम, ठीक है। ये फ़ाइल है, ये मैं आपको इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आप डाउनलोड करके मोबाइल में भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप कंप्यूटर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके तो आप अपने मोबाइल में कॉपी करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका लिंक है, वैसे तो ये दो हैं लेकिन मैं आपको इसका लिंक दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि मैंने पर्सनली चेक भी की हुई है तो ये फ़ाइल ज़्यादा बेहतर है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको उठा के अपने मोबाइल में इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी न्यू फोल्डर बना लें, मैं न्यू फोल्डर 3 यहाँ पर मैं इसको आके पेस्ट कर देता हूँ इस फाइल को। ये मेरी फ़ाइल अभी यहाँ पर आ गई है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने मोबाइल में जाना है और वहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल करता हूँ। फाइल मैनेजर में आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर देना है, सॉरी लोकल पे क्लिक कर देना है। लोकल में इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करें, आप सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाएं जहाँ पे आपने उस फाइल को सेव किया था, मैंने न्यू फोल्डर में सेव किया था। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, अब ये नेटफ्लिक्स बीटा इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये पूछ रहा है इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर जिन लोगों का यहाँ पे आता है कि अननोन सोर्स है, वो सेटिंग में जाके उसको ऑन कर लेंगे अपने अननोन सोर्स को, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर देना है। इसको 10-15 सेकंड लगेगा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसके ऊपर ओपन पे क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर ओपन पे क्लिक करेंगे ये एक लोगो आ जाएगा, इसको आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। और अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी जितनी भी मूवीज़ हैं नेटफ्लिक्स पे जो रिलीज़ होती हैं या वैसे दूसरी तीसरी, वो सब आपको अवेलेबल होंगी। गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह जितनी भी लेटेस्ट भी बेशक अगर वो रिलीज़ होती हैं, जैसा कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी मूवी सर्च करना चाहता हूँ, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, या मैं सर्च करना चाहता हूँ दिल्ली क्राइम, ओके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दिल्ली क्राइम, तो आप ये देख रहे हैं दिल्ली क्राइम 2019, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये अभी मेरे सामने ये दिल्ली क्राइम 2019 की जो सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे जो रिलीज़ हुई है वो आ गई है। मैं वॉच नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, आगे मेरे सामने ये जो लिंक आ जाएंगे तो मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और मैं अगर ऑनलाइन इसको देखना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन भी देख सकता हूँ। अभी आप ये देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी के जितने भी लिंक होंगे, चाहे वो लो क्वालिटी के हों, हाई क्वालिटी के हों, जिस क्वालिटी के आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका नेट स्लो है तो आप लो क्वालिटी में कर लें, अगर आपका नेट जो है वो स्पीड से चलता है तो आप अपना जो है वो हाई क्वालिटी वाला कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये हाई क्वालिटी वाला ये वाला जो है ये मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी आपको ये ऑप्शन दे रहा है प्ले विद सब टाइटल, ओके। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि ये डाउनलोड विद वन डाउनलोडर, ओके। तो आपको ये वन डाउनलोड मैनेजर इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो ये आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड करने का, तो आपको ये वन डाउनलोड मैनेजर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आपको मैं ये करके दिखाता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी क्या होगा कि मैंने वन डाउनलोड मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो अभी मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ तो अभी ये मेरी मूवी जो है मेरे नेट की स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगी, जिस हिसाब से भी नेट की स्पीड होगी उस हिसाब से ये टाइम लेगी और ये मुकम्मल तौर पर डाउनलोड हो जाएगी। और ये 100% वर्किंग करता है, मैंने सारी डिटेल इसकी चेक कर ली है और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, ये तकरीबन 1 GB से थोड़ा कम है इसका साइज़, लेकिन मेरे नेट की स्पीड नहीं है तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसी तरह अगर आप कोई भी नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, या कोई भी आप चाहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स आप उसके ऊपर सर्च करेंगे तो गेम ऑफ थ्रोन्स की जितनी भी सीरीज़ होंगी अभी आप ये देख रहे हैं वो सब अवेलेबल होंगी, या जो भी मार्केट में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।